हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में चार बलात्कारियों की मौत पर सोलन भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी दिखाई है। सबका मानना था कि जो यह घटना घटी है उसका पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर यह बलात्कारी बच जाते तो वह लचीले कानून का फायदा उठाकर समाज में और जघन्य अपराध कर सकते थे। ऐसे आरोपियों की फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधी कानून की लंबी प्रक्रिया का फायदा उठाकर ऐसे अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, जिस पर सख्त कानून लाकर नकेल कसने की जरूरत है। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि हैदराबाद में जो दिल दहला देने वाला अपराध हुआ है वह बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चारों बलात्कारी आज भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है और उनको उचित सजा भी दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा जब तक कि देश में कानूनी प्रक्रिया तेज नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए निर्भया कानून तो बनाया गया लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है, इसीलिए अपराधी दरिंदे इस बात का लाभ उठा रहे हैं और दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा इतना ही मानना है कि जो इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं उनको जल्दी से जल्दी और जो है वो सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की सजा, ताकि जिसके साथ वो इस प्रकार की घिनौनी घटना घटती हैं वो कम से कम उनकी पुण्य आत्मा या ये कह सकते हैं कि वो उनके परिवार जो है वो इस बात को जो है वो सेटिस्फाई हों कि इस प्रकार के दोषियों को जो है वो तुरंत सज़ा मिली है। पर जहां तक आज की बात है, जिस तरह से आज वहां पर पुलिस के द्वारा जो है वो शूट आउट किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में वो घटना तभी घटी है कि जब वो मौके पर गए थे उनको लेकर, और उस घटना स्थल का जो है वो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन उस साइट का वो कर रहे थे, और उन्होंने जैसे बताया गया है कि वो उन्होंने कोशिश की भागने की और पुलिस पर भी उन्होंने उन्हीं की जो है बंदूकों से जो है वो प्रहार करने की कोशिश की, उनको गोली चलाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस ने अपने आत्म जो है उस बचने के लिए जो है वो इस प्रकार की जो है वो घटना घटी है। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कानून सख्त जरूर है, कानून हमने निर्भया कांड पर जो है बनाया भी था और बनाया है, परंतु उसको लागू करने में देरी जितनी ज़्यादा होगी तो मैं समझता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जल्दी से जल्दी जो है वो न्याय मिलना चाहिए ताकि लगे कि ये न्याय हुआ है। आए दिन जो बहु बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, जो हमें घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ, निर्भया कांड जब हुआ था तो उस पर कानून बना, तो वो कानून जल्दी लागू हो, उसके लिए कड़ा कानून बने। उन्नाव में जो अपना वो पेशी के लिए कोर्ट में जा रही अपराधियों ने उसको जिस तरह से जलाया, जिंदा जलाया उसको, 90% वो लड़की जो जल गई है, क्या इस तरह से अपराधियों को छूट देंगे? जब तक हमारे ये कानून सख्त नहीं बनेंगे और फास्ट ट्रैक नहीं लागू किया जाएगा, तब तक मुझे ये लगता है कि हम इन पे रोक नहीं लगा सकते। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।